बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आए, बल्कि आज हम आपको किचन की जो कैबिनेट है उनको ऑर्गेनाइज करना उसका मेथड बताएंगे। तो आइए फिर हम अपने कैबिनेट्स की तरफ चलते हैं। किचन कैबिनेट ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैसी हो पड़ा है। हर चीज़ जो है इसके अंदर ना मिक्स हो जाती है। इसको आप जो है ना हर वीक इसको आप सेट करें, फिर जो भी आप चीज़ निकालें ना वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो आज हम फिर इसको आपको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताएंगे, और इसको जो आप ऑर्गेनाइज करेंगे वो भी आप घर से ही इजीली करेंगे, कोई आपका इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं। सारी कैबिनेट को आप देख सकते हैं हमने खाली कर लिया है। अब हमने इसमें ये करना है कि जितनी हमने इसकी पार्टीशन करनी है उतनी हमने इसकी नाप लेकर मेजरमेंट करके और उस हिसाब से हम कार्डबोर्ड को काटेंगे और उसके ऊपर कलर्ड और दूसरा पेपर वगैरह पेस्ट करके इसमें लगाने के लिए रेडी करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो कार्डबोर्ड है वो कबर्ड के साइज के कट कर लिए। कट करने के बाद जो घर में रफ पेपर पड़े हुए थे वो भी हमने इसको ग्लू लगा के इसके ऊपर पेस्ट कर लिए ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। अब हम इसके ऊपर लेंगे ये शीट, कलर्ड शीट लेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे ग्लू लगाकर। सारे पेपर जो है ना ऐसे हम नीटनेस के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और कागज़ चढ़ाने का हमें इसके ऊपर एक ये फ़ायदा हुआ कि ये थोड़ा जो है कार्डबोर्ड थोड़ा मजबूत हो गया है। ये देखें, ये ऐसे करके हमने सारे जो है वो कैबिनेट में लगाने के लिए रेडी कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चारों कार्डबोर्ड थे या जितनी हमने किचन कैबिनेट की पार्टीशन करनी थी उस साइज़ के हमने नाप के ये कट कर लिए हैं। और उनके ऊपर पेपर चढ़ाने के बाद हमने फिर कलर्ड पेपर जो है वो चढ़ा लिया है। अब हम इसको सेट करेंगे। ये देखें, ये इसके साथ बड़े अच्छे और मजबूती से पेस्ट हो गई है। अब ये हमारा है बड़े वाला, इसको भी हम इसी तरीके से ग्लू लगाएंगे। जी ये आप देख सकते हैं हमने जो पार्टीशन की थी उसको हमने ग्लू गन के जरिए पेस्ट कर लिया है। अब ये देखें, ये अच्छी मजबूत सी हो गई है। अब हम इसमें आपको सारा सामान सेट करके दिखाएंगे।
सारे बॉक्स हमने ग्लू गन से बना लिए हैं और ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर अपना सामान भी सेट कर दिया है। अब ये कितने अच्छे तरतीब से रखे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये सेकंड कैबिनेट है, इसको भी हमने उसी तरीके से सेट कर लिया है। सारी चीज़ें अब बिल्कुल बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप इस तरीके से आसानी से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।